कहते हैं ब्यूटी इज स्किन डीप, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप। हमारी त्वचा पर होने वाला हर रोग हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रोसेशिया पर। रोसेशिया क्या होता है, कैसे ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है, किन कारणों से रोसेशिया हमें होता है और कैसे प्राकृतिक रूप के माध्यम से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं रोसेशिया पर, रोसेशिया यानी कि जो हमारी त्वचा से संबंधित एक रोग है, तो मैम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर रोसेशिया होता क्या है और क्या ये सिर्फ चेहरे पर ही होता है? जी हाँ, रोसेशिया होता क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले इस चीज़ को पहचानना कि रोसेशिया कहते किसको हैं। आमतौर पर रोसेशिया की शुरुआत होती है कि जब हम देखते हैं कि हम कहीं धूप से घर में आए, या कई लोगों की स्किन जो चीक्स पर खास तौर पे एक बटरफ्लाई डिसकलरेशन में रेड हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम धूप में गए थे तो रेड हो गई है, तो ये एक शुरुआत है इंडिकेशन की कि ये रोसेशिया हो रहा है। जो रोसेशिया है ये नॉर्मली स्किन पर रहता है और फेस पे ही रहता है, और ज़्यादातर ये नोज़ के आसपास, नोज़ और इसके अलावा कभी आईज़ के सेंटर में, ये पूरा एरिया जो हमारा त्वचा का चेहरे के बीच का एरिया है, वहाँ पर रोसेशिया का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। वहाँ पर स्किन रेड हो जाती है, इची हो जाती है, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज दिखने लग जाते हैं, ओपन पोर्स होने लग जाते हैं, किसी किसी केस में वहाँ पर छोटे छोटे एक्नी भी होने लग जाते हैं, या पोस्ट्यूल्स होने लग जाते हैं, नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं। नोज़ जो है, किसी किसी केस में नोज़ के ऊपर एक थिकनेस ही आने लग जाती है, पोर्स सारे दिखने लग जाते हैं, जैसे पक जाता है नोज़। तो इस तरह से रोसेशिया में बहुत सारे स्टेजेस या कैटेगरीज होती हैं। तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हमको रोसेशिया का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जी मैम, जैसे रोसेशिया में आपने बताया कि इस प्रकार के होते हैं, तो क्या जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली स्टेजेस पे हमें पता लग जाते हैं, या पूरी तरह से जब रोसेशिया हमें हो जाता है तब ही पता लगता है? नॉर्मली हम रोसेशिया को चार स्टेजेस में डायग्नोज करते हैं। पहला स्टेज होता है कि जहाँ पर आपके चेहरे पर रेडनेस आने लग जाती है, खास तौर पर चीक्स के ऊपर रेडनेस आने लग जाती है, या बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में यहाँ पर एकदम रेड हो जाता है, गर्म हो जाती है स्किन, वहाँ पर पोर्स खुलने लग जाते हैं। ये नॉर्मली पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में, जिसमें एक्नी रोसेशिया हम बोलते हैं, तो वहाँ पर इसी एरियाज में ओपन पोर्स के साथ साथ ब्लैकहेड्स और एक्नी यानी पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। रेडनेस और हॉटनेस वैसे ही रहती है, और साथ साथ में एक्नी की प्रेजेंस भी नज़र आने लग जाती है। तीसरी स्टेज में नॉर्मली क्या होता है कि जो नोज़ है उसकी स्किन बड़ी बम्पी हो जाती है, जैसे हार्ड और एक तरह से अनइवन स्किन टोन हो जाते हैं, पोर्स सारे खुल जाते हैं। सेकेंड स्टेज में भी ओपन पोर्स और ब्लड कैपिलरीज दिखने लग जाती हैं। थर्ड स्टेज में नोज़ ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, तो उसमें भी सेम ऐसे पैची स्किन हो जाती है, लेकिन नोज़ पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। फोर्थ स्टेज में नॉर्मली इट इज़ टूवर्ड्स द आइज़, कई लोगों की आंखें लाल होने लग जाती हैं, तो ये आइज़ के साथ ज़्यादा इसका कनेक्शन रहता है। बट बेसिक कारण वही रहता है रोसेशिया के होने का, लेकिन हर जो लोग हैं, हर इंसान में उसकी जो प्रेजेंट है, मतलब उसकी स्किन पे जो उसका एक्सप्रेशन होता है या उस प्रॉब्लम का जो इफ़ेक्ट होता है, वो अलग होता है। जी मैम, जैसे रोसेशिया पे जब मैं जान रही थी इसके बारे में, तो मैंने ये देखा कि रोसेशिया महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो क्या ये बात जो है ये सच है कि रोसेशिया महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है? देखिए, ऐसा है, जो रोसेशिया है वो महिलाओं में एक खास उम्र में पाया जाता है, खास तौर पे 30 से लेकर 40 के बीच की महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉयज़ में या जेंट्स में ये नहीं होता, उनमें कई बार थोड़ी अर्ली स्टेज में हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर बैड ईटिंग हैबिट्स या बहुत ज़्यादा हीटेड प्रोडक्ट्स लेने की वजह से। टीनेजर्स में भी कई बार रोसेशिया देखने को मिलता है, और कुछ गर्ल्स में भी रोसेशिया जो है टीनेज में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है।
तो मैम ये रोसेशिया कितने लंबे समय तक रहता है? जैसे अगर हम इसकी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है या फिर ये लंबे समय तक की ही समस्या है? देखिए, क्योंकि रोसेशिया जो है हीट से बढ़ता है, तो अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर हीट कम है तो ये फ्लेयर अप होता है लेकिन ठीक हो जाता है, लेकिन गर्मी की वजह से क्योंकि ये एग्जैजरेट हो जाता है तो एनवायरमेंटल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक हम किसी ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर ठंडक ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होता, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्किन पर रहता है लेकिन कंट्रोल्ड रहता है। पूरी तरह से ठीक होना अक्सर ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैनेज हो सकता है और उसको मेंटेन किया जा सकता है। जी मैम, जैसे आपने कहा हीट की वजह से होता है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल हीट की बात करें, लेकिन अभी जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि हमारा जो हर त्वचा संबंधित रोग है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा है, तो किस वजह से रोसेशिया का ये जो समस्या ये होती है हमें? देखिए, सबसे पहले रोसेशिया क्यों होता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है हार्श सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के अलावा अगर हम बहुत ही हीटेड चीज़ें, चाहे अल्कोहल है, टी, कॉफ़ी, बहुत स्पाइसी फूड अगर हम लेते हैं, और इसके अलावा अगर किसी किसी को साइनस कंजेशन है उनको भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है ख़ासतौर पर रोसेशिया के लिए। जब हमारे अंदर बॉडी में हीटेड, मसालेदार, प्रिजर्व्ड, बहुत डीप फ्राइड, मतलब पूरी तरह से ऐसा खाना जो हम खाते हैं जो हमारे शरीर की प्राकृतिक हीट को बढ़ा देता है, तो इसका इफ़ेक्ट रोसेशिया पे बहुत ज़्यादा आता है। पानी का कम इनटेक करना भी एक बहुत मेजर पार्ट है, और कच्चे भोजन का ना लेना भी एक मेजर पार्ट है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटरिंग फैक्टर है अगर किसी को रोसेशिया होता है तो। जी, तो यानी कि मैम हमारा जो खान पान है वो भी प्रभाव डालता है और साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत प्रभाव डालती है। हीट बढ़ जाती है बॉडी में, अगर हमारे हीट बढ़ती है, हीट का जो खास तौर पे सेंटर होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ने की वजह से रोसेशिया फ्लेयर अप कर जाता है। तो खास तौर पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे आहार ऐसा लेते हैं जिससे हमारी छोटी आंत में गर्मी बढ़ रही है, तो उस वजह से रोसेशिया फेस पर विजिबल होने लग जाता है। कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनको गर्मी सूट नहीं करती है, या उनके अंदर एक चेंज आने लग जाता है। खासतौर पे अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो मेनोपॉजल में जब उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हॉट फ्लशेज आते हैं, जिस वजह से ये कई बार डेवलप होने लग जाता है। तो किसी भी तरह की जो हीट की इम्बैलेंस है बॉडी में, वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकती है रोसेशिया को क्रिएट करने। जी मैम, जैसे हीट की आपने बात की, तो जब हम गुस्सा करते हैं, जब चिड़चिड़ापन हम करते हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में हीट महसूस करते हैं, तो क्या गुस्सा भी कारण हो सकता है? जी, इमोशनल फैक्टर तो है ही है। जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे शरीर में हीट बढ़ रही है, उसके बड़े सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, खासतौर पर गुस्से को दबाना। गुस्सा करना अपनी जगह एक हीट क्रिएट करता है, लेकिन जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ करते हैं और अंदर जब इरिटेट होते हैं, जलते हैं, जिसको बोलते हैं खून जलाते हैं अपना, वो भी आपके शरीर पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, जिसके वजह से ये फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करते कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या चल रहा है, और हम सोचते हैं कि जो त्वचा पे आने वाले विकार हैं वो शायद सिर्फ खाने की वजह से हैं, या मुझे एलर्जी हो गई है, या शायद गर्मी है, लेकिन ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, जिस वजह से हमारे शरीर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जी, तो मैम अभी हमने कारण इसके जान लिए, लेकिन अब हम अगर हमें रोसेशिया हो चुका है, पहले तो हम कारणों पे काम करेंगे कि हमें ये हो ही ना, लेकिन अगर हमें अब रोसेशिया हो चुका है तो कैसे प्राकृतिक रूप से हम इसे क्योर कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैम डाइट जानना चाहेंगे कि फूड में हमें क्या चेंजेस करने होंगे अपने? जी बिल्कुल, डाइट में देखिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि कच्चा खाना, ताज़ा खाना, बासा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जो ताज़ा खाना है, जैसे जब बनाया और उस वक़्त खाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा सेवन कीजिए।
अपनी डाइट में लगभग 60% से लेकर 70% केवल सलाद और फलों पर शिफ्ट कर जाइए। जितना ज़्यादा आप बासा खाने से बचेंगे और प्रिजर्व्ड फूड से बचेंगे, क्योंकि जो प्रिजर्व्ड फूड हैं या ओवर कुक्ड फूड हैं वो हमारे शरीर में अंदर जाके गर्मी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वो जब गर्मी बढ़ती है उस वजह से जो हमारे शरीर की वाइटैलिटी है वो भी कम हो जाती है। ठंडक वाले पदार्थ ज़्यादा खाएं। ठंडक का मतलब ये नहीं आप फ्रिज से निकाल के खाएं, लेकिन जिन तासीर जिन फलों की ठंडी है उनका ज़्यादा प्रयोग करें। ख़ासतौर पे नारियल पानी का प्रयोग करें, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। साथ साथ में जब हम डाइट पे ध्यान दें तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर इंटरवल्स पे डाइट लीजिए। एकदम से बहुत सारी तरह का आहार लेने से क्या होता है कि जो आपकी छोटी आंत है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वहाँ पर हीट बढ़ जाती है। जैसे आपने ऐसे आहार ले लिए कि जो कच्चा खाना, पका हुआ खाना, अत्यधिक पका हुआ खाना और प्रिजर्व्ड खाना, आप नॉर्मली ऐसा सोचते नहीं हैं लेकिन लेते हैं, कि जैसे आपने सलाद भी खा लिया, उसके साथ दाल चावल रोटी भी खा ली, उसके साथ कुछ तला हुआ भी खा लिया और ऊपर से कोई कोल्ड ड्रिंक या आपने कोई फर्मेंटेड ड्रिंक भी ले लिया, तो जब ये आहार आपके अंदर जाता है तो क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स हैं वो पूरी तरह से उसका जो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते, एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, तो वो जो आहार है वो आपके छोटी आंत में जाकर बजाय आपको एनर्जी देने के वो सड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब आम तौर पे इसका हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपका पेट गर्म है तो आपके फेस पे वो रेडनेस हीट बढ़ जाती है। साथ साथ में जब आप बाहर जा रहे हैं और खूब तेज़ धूप आपके फेस पे लग रही है वो भी हीट बढ़ाने की ही एक वजह बनती है। तो इस तरह से दो तीन रीज़न मिलने से जो रोसेशिया है वो आपके चेहरे पर ज़्यादा दिखने लग जाता है। इसमें जब आपके पोर्स खुलते हैं तो इसका मतलब आपके लिवर और गॉल ब्लैडर पे भी लोड पड़ रहा है डाइजेशन का। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो प्लीज़ आप अपने पेट का, अपने खान पान का और अपने रेस्ट का बहुत ध्यान रखें। और जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि पेट के ऊपर ठंडी पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। जी, पेट के ऊपर ठंडी पट्टी का जो इस्तेमाल है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। वो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप कभी लगाएंगे ठंडी पट्टी और अगर आपकी जो छोटी आंत है वो गर्म है तो आप देखेंगे कि वो सारी गर्मी उस पट्टी में आ जाती है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपके फेस के ऊपर फ़र्क पड़ने लग जाता है। जी मैम, जैसे अभी आपने बोला कि हमें बाहर की जो सनलाइट है उससे बचना है, तो ऐसे में व्यक्ति घर से बाहर जाना तो नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या अप्लाई कर सकता है ऐसा कि वो जब बाहर जाए तो उस पर जो सनलाइट है वो उतना प्रभाव ना डाले? देखिए, मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ सिंपली एलोवेरा जेल। केवल एलोवेरा जेल जो है वो अगर आप अपनी त्वचा पे लगातार लगाते हैं तो एक तो वो केमिकल नहीं है, दूसरा आपके एक्ने को सुखाने में और उस रेडनेस को कम्बैट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ वाटर को ले लीजिए और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के उसको ठंडा कर लीजिए। अगर आप उसको फेस पर रेगुलरली स्प्रे करेंगे, जैसे आपको कहीं जाना है अपने पास, आप एक रोज़ वाटर की बॉटल रखिए स्प्रे वाली और उसको 2-3 बार दिन में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नेरोली करके एक हाइड्रोसोल मिलता है, नेरोली का एक स्प्रे मिल जाता है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मिल सकता है ये मार्केट में आराम से, नेरोली का स्प्रे मिल जाता है। ये क्या करता है कि आपके फेस पर जो एलर्जी आ रही है उसको एकदम सीडेट करेगा और आपके फेस की रेडनेस को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो आप ये 2 दिन स्प्रेज को यूज़ कर सकते हैं फेस पे, अगर आप लगाते रहेंगे, एलोवेरा जेल है या रोज़ वाटर का स्प्रे है, तो ये आप हैंडी रखिए और लगाइए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है या बाहर से आप अंदर आएँ तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जी मैम, इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खुद घर पे बना के रोसेशिया के लिए लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप घर में ही प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो रोसेशिया को ठंडक चाहिए होती है, तो आम तौर पे चंदन और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर बना के उसको ठंडे रोज़ वाटर में मिक्स करके अगर आप लगाएंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा उसको कूल करने में। इसके अलावा एलोवेरा जेल ले लीजिए और एलोवेरा जेल में रोज़ वाटर को मिक्स करके उस मिक्सचर को अगर आप रेगुलरली फेस पे लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके फेस की जो रेडनेस है वो कम्बैट होने लगेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केवल और केवल आप एक ठंडा
टावल ले लीजिए, पतला जो टावल होता है कपड़े का, या आप कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, रोज़ वाटर में उसको भिगाइए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ा ठंडे होने के बाद आप सिंपल उसका अगर एप्लीकेशन करेंगे तो जो आपकी रेडनेस फेस की है वो बहुत जल्दी जो है ठीक होने लगेगी। ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हम रिकमेंड नहीं करते। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं तुलसी का जल, तुलसी जल आराम से मार्केट में मिल जाता है, तो तुलसी जल का स्प्रे बनाकर भी आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, यानी कि रोज़ वाटर में 2-3 बूंदें तुलसी जल की डालिए, वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा। जो आपने फेस पर ठंडा टावल या ठंडी पट्टी या हम बोलते हैं कि कपड़ा कॉटन का लेकर इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी जब आप रोज़ वाटर लें तो उसमें कुछ बूंदें तुलसी के जल की डाल दें, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको एक्नी रोसेशिया है तो एक्नी रोसेशिया के केस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक्नी वाली एरिया में आप सिंपली चंदन, मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा उसमें पुदीने का रस मिक्स करके और सिर्फ एक्नी वाले एरिया में लगाइए, पूरे फेस पर नहीं लगाना है। तो अलग अलग रोसेशिया के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फेस को ठंडा रखना, पेट को ठंडा रखना, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और जितने भी प्राकृतिक पेय हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे फलों और सब्जियों का जूस। जी मैम, जैसा हीट को कैसे हमें ठंडा करना है वो तो आपने यहाँ पे बताया कि कैसे हमें हीट को कम करना है, लेकिन अब जैसे आपने बताया था कि इमोशनल फैक्टर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जी, जी. तो कैसे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें मैम, क्योंकि आजकल का जो माहौल जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर कभी ना कभी नेगेटिव माहौल हमें मिल ही जाता है, या फिर अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो स्ट्रेस हमें होता ही होता है, तो कैसे कंट्रोल करें मैम? देखिए, ऐसा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये जो स्ट्रेस है ये इसका एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर मैंने देखा है इस केसेस में लोगों की जो लोग आते हैं वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन की वजह से गुस्से में आ रहे होते हैं। जैसे आमतौर पे देखिए, आप जब काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा समय किस चीज़ में व्यतीत होता है कि क्या मैं मेरे से बेहतर हो रही हूँ, या इस पर व्यतीत होता है कि उसको ऐसा करना चाहिए था, यानी कि हमारे गुस्से का कारण किसी और का एक्शन है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब मैं मेरे ऊपर ही कंट्रोल कर सकती हूँ तो मुझे मेरे पे ही फोकस करना है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट को हटा दीजिए कि उसको ऐसा करना चाहिए था या उसको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि गुस्से का कारण किसी और का एक्शन है। तो सिंपली जब हम इस इंटरेक्शन से बचते हैं और फोकस अपने पे करते हैं तो गुस्सा और क्रोध कम होने लगता है। साथ साथ में ये याद रखिए कि जो आपका काम है वो आपको बेनिफिट देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए आप कर रहे हैं, आप उससे कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है और आप अपने लिए एक उलझन या गुस्सा वहाँ से लेके आ रही हैं तो समय आ गया सोचने का कि क्या आप सही काम में हैं और कितना आपको उसमें फोकस करना है। ये ठीक है कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि क्या ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है जो मैंने किसी को देखकर ले ली है और ये मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो अपनी थोड़ी सी इच्छाओं को, थोड़ी एक्सपेक्टेशन को, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं को अगर आप कंट्रोल करें और छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढेंगे तो ये जो तनाव है, ये जो गुस्सा है अंदर से आग लड़ने की वो है, वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। अपने आप को प्रकृति के आप कांटेक्ट में रखिए, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए, तो सच में ये अंदर से हीट कम करता है। जी तो मैम, मतलब योग प्राणायाम हमें ऐसे हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपकी डीप ब्रीदिंग जो है, गहरे लंबे सांस लेने की प्रक्रिया, इसके अलावा धनुरासन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को स्टिमुलेट करता है, उष्ट्रासन है या मत्स्य आसन है, इस तरह के आसन अगर आप करते हैं तो ये भी आपकी त्वचा पर आने वाले, आपकी स्किन जो फेस की स्किन है उस पर आने वाले विकारों को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। जी और मैम, जो मेडिटेशन है वो कैसे हेल्प करता है इसमें? अगर हम ध्यान करते हैं तो माइंड जैसे हमारा वर्क करना शुरू कर देता है, आंखें बंद करते ही और ज़्यादा थॉट्स हमें आने लगते हैं, तो कैसे हेल्प करेगा ध्यान? बहुत अच्छी बात है। जब अगर आप आंखें बंद कर ध्यान करने बैठे हैं तो एक्चुअली वो सफाई का एक अभियान शुरू हो जाता है कि हमारे जो ऐसे थॉट्स हैं, इररिलेवेंट थॉट्स हैं, जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो सारे थॉट्स सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं,
तो उन थॉट्स को एनालाइज भी नहीं करना, उनको सॉर्ट आउट भी नहीं करना, उनको सॉल्व भी नहीं करना, उनको सिर्फ जाते हुए देखना है, क्योंकि वही तो सफाई का अभियान है कि वो थॉट्स जो मेरे मन में आ गए, अब मुझे उनको साफ करना है। तो साफ करने का अभियान में ये भी एक पार्ट है कि बहुत सारे थॉट्स का आना, बस उनको आना और जाना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका माइंड रिलैक्स करेगा और अंदर से आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपकी बॉडी के हीट को बैलेंस करेगी। मैम, जैसे कि रोसेशिया हमारे फेस पर होता है, तो महिलाएं जो है इसे कवर करने के लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लगा लेती हैं, तो क्या वो जो केमिकल्स हैं, वो जो हमारी ये कंडीशन है रोसेशिया की, उसको और वर्स कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, जब हम फेस पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाते हैं जिससे हमारे जो पोर्स हैं वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है, कोई केमिकल लगाया जिससे वहाँ पर हीट एक्टिवेट हो गई, तो और ज़्यादा वो जो स्थिति है ख़राब हो सकती है। आप बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया कि चंदन और मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर आप उसको रेगुलर लगा सकते हैं ताकि ठंडक रहे आपके फेस पे। इसके अलावा मैंने आपको नरोली स्प्रे बताया जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, या रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी क्रीम अगर आपको टेम्परेरी रिलीफ दे रही है लेकिन उससे आपके अंदर की हीट कम नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोशिश करें एलोवेरा जेल, चाहे आपके पास फ्रेश है या आपके पास रेडीमेड है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको कभी कहीं जाना है और आपको लगता है कि उससे पहले मुझे अपने फेस पे कुछ लगाना है, तो सिंपली एलोवेरा जेल का एक कोट लगा दीजिए, बिकॉज जो ये प्रोडक्ट है ये ना ड्राई है ना ऑयली है, ये हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है। जो रोसेशिया है उसमें, क्योंकि आपकी जो ओपन पोर्स हैं, स्किन बड़ा ऑयली और चिपचिपा हो जाता है, तो ये उस ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जो आपकी जो स्किन का टेक्सचर है उसको आपका ख़राब ना होने दे और केमिकल से बचाए। यानी कि अगर आपको मुंह पे कुछ लगाना है तो उससे पहले आप एलोवेरा जेल लगाएं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और पॉजिटिवली उसको क्लेंजिंग से साफ़ ज़रूर करें। और इसमें जो क्लेंजिंग भी है वो भी आपको नेचुरली करना है, केमिकल्स का आप जो प्रयोग है वो कम से कम करें। जी, तो मैम अपने खान पान में बदलाव करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी, तो मैम इतनी सारी जानकारी के लिए और कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की रोसेशिया पर। रोसेशिया, जैसे कि हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया कि एक त्वचा संबंधित रोग होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है और कैसे हम प्राकृतिक रूप से इसका उपचार कर सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार। See